तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच के बारे में। तो जहां बीती रात दो मुकाबले खेले गए, जो पहला मुकाबला था वो पुर्तगाल वर्सेस आयरलैंड का था, और जो दूसरा मैच जो खेला गया था वो फ्रांस वर्सेस बोस्निया का खेला गया। तो जो पहला मुकाबला था आपका पुर्तगाल वर्सेस आयरलैंड का, पुर्तगाल ने 2-1 से आयरलैंड को हरा दिया था। जहां तक एक टाइम लग रहा था कि आयरलैंड इस मैच में डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि 88 मिनट में आयरलैंड 1-0 से लीड करा था। तो आइए हम इस मैच में आपको थोड़ा सा पूरी डिटेल देते हैं। जहां 15वें मिनट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक पेनल्टी मिलती है, लेकिन वो पेनल्टी मिस कर जाते हैं। उसके बाद 45 मिनट में जॉन एगन द्वारा एक हेडर आता है जो आयरलैंड के, उन्होंने 45वें मिनट में हेडर के जरिए एक गोल कर दिया, तो जिसमें आयरलैंड की 1-0 से बढ़त हो गई। तो हाफ ब्रेक तक देखा गया कि आयरलैंड 1-0 से बढ़त कर गया। उसके बाद 88 मिनट तक 1-0 से आयरलैंड लीड ले रहा था। तो जहां तक ऐसा लग रहा था कि साई से आयरलैंड इस मैच को जीत जाएगा, 1-0 से वो लीड कर रहा था, लेकिन 90 मिनट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक हेडर आता है और स्कोर हो जाता है 1-1। और इस हेडर के साथ ही वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद फिर 95 मिनट में अगेन रोनाल्डो का एक और हेडर आता है, और इसके साथ ही पुर्तगाल 2-1 से ये मैच जीत जाता है। अब हम बात करें जो दूसरे मुकाबले की, दूसरे मुकाबले में जो फ्रांस और बोस्निया का जो मुकाबला है वो 1-1 से ड्रॉ रहा, जिसमें बोस्निया की तरफ से एडिन डेचको ने गोल किया जो 36 मिनट पे आया, और जो फ्रांस की तरफ से देखा गया गोल वो एंटोनी ग्रिजमान ने किया, एंटोनी ग्रिजमान ने 40वें मिनट में गोल किया। उसके बाद कोई भी दोनों टीमों द्वारा कोई भी गोल नहीं किया गया और ये मैच ड्रॉ रहा। तो इसमें अगर आप देखें वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच में, तो इसमें ग्रुप ए में जहां पुर्तगाल लीड कर रही है, टॉप पे बनी हुई है, वहीं पर ग्रुप डी में अगर देखा जाए तो फ्रांस भी अपने ग्रुप में टॉप पे है। अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, उन्होंने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि मेंस इंटरनेशनल में सबसे हाईएस्ट गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिसमें उन्होंने अली देआई का रिकॉर्ड 110 गोलों का रिकॉर्ड तोड़ा था। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो 111 गोलों के साथ अब वो हाईएस्ट गोल स्कोर में आ गए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, और सब जानते हैं कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक कितने महान प्लेयर हैं। तो इसी के साथ उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। करते हैं अगली खबर का। आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच ओवल में खेला जाना है, जो भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे शुरू होगा, और टीम में देखा जा सके 1 से 2 चेंजेस हो सकते हैं, और इसमें जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।